चलो ध्यान से समझना इसको, ठीक है? आप में से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको यस और नो में यदि आंसर दे दिया जाए तो उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाया जाए, और यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियरिटी आती है, और क्लियरिटी यदि होगा ना तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा करके दे दे आप क्या कर पाएंगे, इसको आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि ए है ए अ सोल्जर, इस एक सिपाही है, फायर्स ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, एक पीसफुल प्रोसेशन है, पीसफुल असेंबली है, वहां पे क्या करता है, फायर कर देता है। ये जो सिपाही है क्या करता है, फायर कर देता है। कहां पे, ये बात ध्यान रखने वाली है, कहां पे, पीसफुल प्रोसेशन है, यहां पे ये वायलेंट नहीं है, पीसफुल है, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर। ठीक है, एक सुपीरियर जो ऑफिसर है वो उसको कमांड देते हैं कि चलाओ गोली, फायर करो, और ये जो सोल्जर होता है ये फायर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इंजुरीज आर देयर बाय कॉज टू सम पर्सन, कुछ लोगों को इंजरी कॉज हो जाता है। और उसके बाद लीगल पोजीशन, इसमें कहता है लीगल पोजीशन है कि इट इज नॉट एन ऑफेंस इफ द एक्ट इज डन इन गुड फेथ बाय अ पर्सन हु वाज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब बोल रहा है कि ये जो सोल्जर है ये तो बाउंड था लॉ से, इसको तो ऑर्डर मिला था सुपीरियर ऑफिसर से, तो उस सिचुएशन में अब ये क्या करे, ये तो मजबूरी में था, यदि नहीं चलाता तब भी जाता, चला दिया तब भी जाता तब भी गया, तो ये क्या करे, इसका क्या गलती है, तो इसे मत तबाह करो साहब, इसको छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं है, यदि गलती होगा तो सुपीरियर ऑफिसर का होगा, ये तो बेचारा छोटा सा सिपाही है, ये क्या कर सकता है, इसका तो कुछ चलता नहीं है, जो ऑर्डर मिलता है ये करता है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। और उसके बाद यहां पे ऑप्शन बता रहा है, पहला ऑप्शन ए इज नॉट लायबल एज ही वॉज बाउंड बाय ऑर्डर्स ऑफ हिज ऑफिसर, बोल रहा है कि ये लायबल नहीं है क्योंकि इसका तो कोई गलती नहीं है, ये तो सुपीरियर ऑर्डर दिया तो ये चला दिया। उसके बाद कहता है ए इज लायबल एज ही वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो इलीगल ऑर्डर्स, बोल रहा है कि यदि इलीगल ऑर्डर्स था तो ये बाउंड नहीं था फॉलो करने के लिए, तो क्यों फॉलो कर लिया उसको, क्यों गोली चला दिया, जब देखा कि पीसफुल प्रोसेशन है, जब वहां पे कोई तरीके का उत्पात नहीं मचा रहे हैं लोग, तो भैया आप फायर, ये पटाखा फोड़ने वाली बात है क्या, आप मतलब फायर कर दे रहे हो बात बात पे, ये मजाक चल रहा है क्या, अरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कुछ है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए इज नॉट लायबल बिकॉज ही लैक्ड मेंसरिया। अब कह रहा है भैया ए का कोई मेंसरिया नहीं है, मेंसरिया मतलब होता है इलीगल इल 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 इंटेंशन, बोल रहा है कि ए के पास कोई इल इंटेंशन नहीं साहब, जो भी इल इंटेंशन होगा ये सुपीरियर के पास हो सकता है, लेकिन इसके पास जो है सोल्जर के पास, इसके पास कोई मेंसरिया नहीं है। उसके बाद कहता है बोथ ए एंड सी सी जो है अबव ये करेक्ट है। तो मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं कोशिश ये करूंगा कि आप खुद आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए एक सेक्शन हमारे पास आईपीसी में है, आईपीसी मैंने इसको कवर वैसे नहीं किया है, आईपीसी में सेक्शन 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब ये क्या है ये समझ में नहीं आएगा आपको, ये लिखा हुआ लीगल लैंग्वेज में, जब मैं इसे नॉन लीगल टर्म में आपको बताऊंगा समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना एनर्जी लगा करके रात में इसको बनाया हूं, अन्यथा बस आपको सीधे यस और नो में आंसर दे देता और अपना पल्ला झाड़ लेता, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानना और समझना चाहिए। 10 मिनट एक्स्ट्रा यदि हम दे देंगे, हालांकि 2 घंटा ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट और दे दीजिए। कह रहा है ये इसका जो कंटेंट है ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय अ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय अ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ डू इट। बोल रहा है कि यदि कोई बंदा, यदि कोई सरकारी ऑफिसर ऐसा करता है गुड फेथ में, ये बिलीव करते हुए कि ये ठीक ही कर रहा है वो, और उसके बाद क्या करता है, गोली चला देता है या कुछ भी ऑफेंस करता है, तो कहता है कि वो तमाम चीज ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 76 कहता है, ये चीज बात को आप समझ लीजिए, ये सेक्शन 76 बहुत ही क्लियरली कहता है कि यदि गुड फेथ में किसी का वो हार्म कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, फिर भी वो ऑफेंस ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि गुड फेथ क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ किसको कहते हैं। बड़े शॉर्ट में मैं आपको दो इलस्ट्रेशन बताता हूं, इसी सेक्शन में दिया गया है, दोनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ए है एक सोल्जर है, ए अ सोल्जर
फायर्स ऑन ए मॉब, एक भीड़ पे गोली मार देता है भीड़ को, बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विथ द कमांड ऑफ लॉ। अब ये बात बहुत जरूरी है, इन कन्फर्मिटी विथ द कमांड ऑफ लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। बोला यदि जो कमांड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई ऑफेंस ऐसा नहीं किया है। दूसरा इसी तरीके का एक और एक्सप्लेनेशन देता है, हो सकता है इस तरीके का चीज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये कहता है एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, वाई को अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, कि ए को बोला गया कि जाओ तुम वाई को पकड़ के ले आओ, और वाई क्या ए क्या करता है, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इंक्वायरी किया ए गया उसके गांव में, इंक्वायरी किया, बिलीविंग जेड टू बी वाई, और वो ये सोच करके कि यही वाई है, इसी को पकड़ने का आदेश मुझे दिया गया है, अरेस्ट कर लिया किसी दूसरे पर्सन को, अरेस्ट कर लिया वो जेड को। अब यहां पे बोल रहा है कि यदि वो ऐसा करता है तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, कहता है ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ होगा वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो यदि गलती हो गया है गुड फेथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझिएगा, और आपका जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन फर्स्ट पे बेस्ड है, पहला जो इलस्ट्रेशन है उसी पे बेस्ड है, जब हम ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करेंगे तब आप अपने आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद श्वेता एक बार पूछी थी हमसे कि सर आप ये बताइए एक लीगल मैक्सिम है, और वो कहता है इग्नोरेंसिया फैक्टी डोथ एग्जुसेट, इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एग्जुसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, मतलब यदि फैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इग्नोर कर दिए हैं किसी फैक्ट को, वाई के जगह जेड को उठा लिए, ये मात्र एक फैक्चुअल चीज है, लॉ का कोई वायलेशन आपने नहीं किया है, उस सिचुएशन में आपको इग्नोर किया जा सकता है, उस सिचुएशन में आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन यदि लॉ का वायलेशन आपने कर दिया तब आपको नहीं किया जाएगा, और ये कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज, ये जो लॉ का जो इग्नोरेंस है वो नहीं हो सकता। यदि आप ये कहते हैं कोई क्राइम करके कि आपको नहीं पता था कि ये क्राइम है आपके कंट्री में, तो ये एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये लॉ है, आपको लॉ जानना ही चाहिए, और लॉ नहीं जानते हैं ये आपका प्रॉब्लम है। देखिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, इसके साथ साथ कई क्वेश्चन आप इस तरीके का लगा पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन तो हम एक मिनट में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको जानना जरूरी है। अब देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है इग्नोरेंसिया फैक्टी डॉट एग्जुसेट, इग्नोरेंसिया जोरिस नॉन एग्जुसेट, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, आखिर हवा में चीजें नहीं होती है, आखिर क्या ऐसा है कि इसको लिखना पड़ा। तो ये कहता है कि द जस्टिफिकेशन फॉर एग्जम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ मैन हु इज मिस्टेकन और इग्नोरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट cannot form unnecessary intention। अरे जब फैक्ट ही नहीं पता उनको सही से तो इंटेंशन कैसे बनाएंगे वो, और इंटेंशन यदि नहीं बनाएंगे तो खराब इंटेंशन जो मेंस रिया की बात करते हैं विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, वही फॉर्म नहीं होगा, और जब वो फॉर्म नहीं होगा तो क्राइम कैसे हो सकता है। तो वही बता रहा है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम एंड इज देयर फॉर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन लॉ फॉर द डीड्स, मतलब यदि आप फैक्ट को मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब गलती से आप किसी दूसरे को पकड़ के ले आए, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था इलस्ट्रेशन में वाई ने जेड को पकड़ के ले आया, वाई को पकड़ने के जगह जेड को ले आया, तो उसमें बस फैक्ट का ही चेंज है, इसमें ए का बिल्कुल इंटेंशन खराब नहीं था, गुड फेथ में किया है, उस सिचुएशन में इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या होता है इसको बाद में हम अभी समझ रहे हैं, और उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद कहता है इग्नोरेंसिया जोरिस नॉन एग्जुसेट, ये नहीं किया जा सकता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, इज नो डिफेंस, मतलब ये डिफेंस नहीं है टू अ चेंज सॉरी टू अ चार्ज ऑफ क्राइम हाउसएवर जेन्युइन इट माइट हैव बीन, बोल रहा है कि कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, यदि आप ये डिफेंस लेंगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस लेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि सारे लोग यही प्लीड करने लगेंगे कि मिलॉर्ड मेरे पास तो पता ही नहीं था, मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, मैं तो कनाडा में रहती हूं, मैं तो यूएस में रहता हूं, मैं तो आज ही इंडिया आया हूं, मुझे नहीं पता था यहां के लॉ के बारे में, तो फिर क्या होगा, जज साहब कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि जब पता ही नहीं था तो छोड़ देते हैं, इसीलिए हमने प्रिजम्पशन को स्ट्रांग बना लिया, स्ट्रिक्ट बना लिया, और कहने लगे कि भैया तुमको पता हो, तुम आज आए हो कनाडा से या आज आई हो यूएस से, हमें नहीं फर्क पड़ना, तुम्हें पता नहीं था, तुमको पता होना चाहिए था, हमारे देश का यही लॉ है, इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, किसी को एक्सक्यूज नहीं करता है। फिर ये कहता है द रूल इज फाउंडेड ऑन द फिक्शन दैट एवरी मैन नोज द लॉ, ये रूल कहता है कि सारे लोग जानते हैं लॉ, ये प्रिजम्पशन है, लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे लोग लॉ को जानते हैं, अरे भाई वही बात हो गया, अब कोई किसी का रेप कर दे और बाद में बोले साहब ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये रेप है, हमें नहीं पता था आपका आईपीसी, हमने नहीं पढ़ा था आईपीसी, हमने तो बिना पढ़े इसका रेप कर दिया, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा क्या,
अरे नहीं, यदि छोड़ा जाएगा तब तो मजाक बन जाएगा लॉ, ऐसे तो सारे लोग यही प्लीट करने लगेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं है। इसीलिए ये कह रहा है द लॉ द रूल इज फाउंडेड ऑन द फिक्शन दैट एवरी मैन नोज द लॉ और ऑट टू नो द लॉ अंडर व्हिच ही लिव्स और टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट टू फॉर द टाइमिंग। बोला तुमको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो तुमको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तुम्हारा प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कहता है कि इफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज टू बी ए डिफेंस, यदि आप इसको डिफेंस बनाएंगे, यदि आप उन लोगों को छोड़ने लगेंगे जिसके पास लॉ की जानकारी नहीं होगी, वो यदि वो ये प्लीड करता है कि भैया मैंने तो रेप कर दिया लेकिन मुझे नहीं पता था कि रेप है आईपीसी में डिफाइंड सेक्शन 375 में, तो ये कहता है इट वुड बी ओपन टू एन अक्यूज्ड टू एलेज दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ एंड इट वुड बी ओपन टू एन अक्यूज्ड टू एलेज दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ एंड इट वुड बी quite impossible for the prosecution to prove that the accused was cognizant of the law। मतलब ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि उसको पता है लॉ या नहीं पता है, कैसे प्रूव करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रिजम्पशन को स्ट्रिक्ट कर दिया, तुम जानो या ना जानो मुझे फर्क नहीं पड़ना, तुमको जानना चाहिए, यदि नहीं भी जाने तुम्हारा गलती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रिजल्ट वुड बी द एक्विटल ऑफ द accused पर्सन इन ऑल द केसेस रेंडरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब यदि ऐसे होने लगे तो सारे लोग क्यों छूट जाएंगे, क्योंकि वो प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि उसके दिमाग में पता था इस लॉ के बारे में, नहीं कैसे प्रूव करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। अब जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में करते हैं, और उसके बाद इसका आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है। बस 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, 5 मिनट में आप ये समझिए। अब ये डिस्टिंक्शन बता रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो मैंने बात की कि ए ने वाई के जगह जेड को पकड़ लिया, और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस को समझ लिए मतलब आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। और यदि क्वेश्चन इस तरीके का आईपीसी या किसी भी क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन आएगा तो आप इन तमाम क्वेश्चन को बड़े आसान से केक वॉक हो जाएगा, मतलब आराम से कर पाएंगे, जहां लोग परेशान होंगे वहां आप इसको चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है। आप दो एग्जाम्पल में आपके पास दे रहा हूं, और दोनों एग्जाम्पल में अंतर है, ध्यान से समझना, अंतर को सर्च करना, दोनों एक ही जैसा एग्जाम्पल है लेकिन अंतर है, आप बताना कि कहां पे अंतर है। अब पहला एग्जाम्पल है, कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर है हु हैज द राइट टू अरेस्ट अ पर्सन कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो यहां कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रहा है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। इफ ही अरेस्ट बी, यदि बी को अरेस्ट कर लेता है, कैसे अरेस्ट किया, मिस्टेकिंगली थिंकिंग दैट ही हैज कमिटेड मर्डर। अरे वो कोई दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन ये जो है ये सोच रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर ये सोच रहा है कि इन्होंने मर्डर किया है और इसीलिए बी को अरेस्ट कर दिया, ठीक है। व्हेन इन फैक्ट ही किल्ड अ डकैत इन सेल्फ डिफेंस, लेकिन जो वास्तविकता ये थी कि इन्होंने मर्डर नहीं किया था, ये अपने सेल्फ डिफेंस में एक डकैत को मार दिया था, ठीक है। यहां पे देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको पता चलेगा कि वो किया कुछ है, मारा है, ठीक है, इसको लग रहा है पुलिस को कि वो मर्डर कर दिया है, लेकिन यहां पे ये सेल्फ डिफेंस में काम किया है। अब कह रहा है कि ए इज नॉट लायबल फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैंने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात की थी, जब आप इलीगली किसी को अरेस्ट करके बंद कर देते हैं उसके बारे में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात होती है, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो पुलिस ऑफिसर है ही इज नॉट लायबल, क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। पहले भी यदि अरेस्ट ये कर रहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर रहा था, चाहे आप मारे किसी भी होमिसाइड, कैल्पेबल होमिसाइड हो या मर्डर हो, दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इस सिचुएशन में कहीं भी किसी भी एंगल से कोई भी मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं है, बस मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है कि मर्डर ये समझ लिया जबकि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में डकैत को मारा गया है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर है, फिर से सिमिलर एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। इफ अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन, एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया फॉर कमिटिंग एन असॉल्ट, असॉल्ट के लिए इसको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया, विच इज रॉन्गफुली कंसिडर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये गलती किया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये मान लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ देखिए कैसे काम करता है, ये समझिएगा, वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों था, चाहे वो उसको कल्पेबल होमिसाइड करे या मर्डर करे, दोनों कल्पेबल होमिसाइड है, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस ये जानते हुए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसके लिए पकड़ा था, और यहाँ पे वो जान रहा है कि असॉल्ट किया है, और वो क्या कर लिया, गलती से उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ लिया कि असॉल्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ है, लॉ को जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर को, लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया है, वो समझ लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, रॉन्गफुली कंसिडर है कॉग्निजेबल ऑफेंस, whereas it is a not cognizable in which he cannot arrest a person। जब cognizable और non-cognizable की बात करते हैं, IPC मैंने बताया था कि cognizable में directly police arrest कर सकती है, जबकि non-cognizable offences में बिना magistrate के permission से आप नहीं कर सकते उसको arrest, ठीक है। तो ये cognizable offence मान लिया, जबकि जो assault है वो non-cognizable,
ऑफेंस था इन विच ही कैनॉट अरेस्ट अ पर्सन, जिसमें वो अधिकार नहीं है उसको अरेस्ट करने का. ही इज लायबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हिज मिस्टेक बीइंग वन ऑफ लॉ. यहाँ पे ये लॉ को इग्नोर किया, ये फैक्ट को इग्नोर नहीं किया. इसको पता होना चाहिए कौन कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नहीं कॉग्निजेबल है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलग चीज होता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ही यहाँ पे लॉ में प्रॉब्लम है, फॉर विच ही कैनॉट बी एक्सक्यूज. और यदि ऐसा करता है कि नॉन कॉग्निजेबल को वो कॉग्निजेबल समझ के उसको अरेस्ट कर लिया, ऑब्वियसली यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ है ना कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको बताया था ना, ये वाई की जगह जेड को कर दिया था. ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं हुई. देखिए थिन लाइन डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. अब आपका आंसर तैयार है, जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर यहाँ पे तैयार है. ठीक है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह का केस है. इसमें मॉब वायलेंस का केस था, मॉब ने वायलेंट एक्शन कर दिया था और उसके बाद सुपीरियर ऑफिसर ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि चलाओ गोली, और गोली चलाया गया. उसके बाद काफी ज्यादा इंजुरीज का कॉज हुआ. यहां पे क्या पाया कोर्ट, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया उसके बारे में बताता हूं. इट वॉज हेल्ड दैट इफ द ऑर्डर वॉज जस्टिफाइड एंड लॉफुल, यदि जो सुपीरियर ऑथोरिटी का, ध्यान से समझना जो भी क्वेश्चन पूछा है इसको, यही इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी जो कंसेप्ट है उस पर कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बताया है. जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये वाला है, इसको समझना ध्यान से. इट वॉज हेल्ड दैट इफ द ऑर्डर वॉज जस्टिफाइड एंड लॉफुल, जो सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर है यदि वो जस्टिफाइड है एंड लॉफुल है, नो फर्दर क्वेश्चन कैन अराइज एज टू वेदर द रिस्पोंडेंट who acted in obedience of that order believed or did not believe that order to be lawful. बोला कि यदि एक बार जो order दिया गया है, यदि वो order lawful है, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा कि जो follow किया उसको वो सही किया या गलत किया, उससे फर्क नहीं होता. लेकिन question तब उठेगा जब जो order दिया गया है superior authority के द्वारा, वो order lawful नहीं है. यदि वो order lawful नहीं है, उस सिचुएशन में ये सवाल उठेगा कि तुमने कैसे फॉलो कर लिया ऑर्डर को, एक इलीगल ऑर्डर को कैसे फॉलो किया. यहाँ पे यदि पीसफुल असेंबली थी, तो यदि तुम्हारे सुपीरियर बोले गोली चला दो, तो तुम्हारा दिमाग नहीं था कि आखिर क्यों चलाए गोली, क्या ऐसा इलीगल एक्टिविटी हो रहा है. अरे पीसफुल था भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं था, कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो तुमको ऑर्डर कर दिया गोली चलाने का, तो गोली चला दोगे. अरे अपना भी तो दिमाग यूज कर लेते. आगे बढ़ते हैं. ये कहता है such an inquiry becomes necessary only when the order of the superior officer which is pleaded as a defense, क्योंकि ये जो सोल्जर है वो तो यही डिफेंस ले रहा है कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो ऑर्डर को फॉलो किया है. अब बोल रहा है कि यदि is found not to be conformity with the commands of the law, बोल रहा है कि यदि वो ऑर्डर ही इलीगल है, उस सिचुएशन में फिर ए भी जाएगा. वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो बस ऑर्डर का पालन कर रहा था, नहीं ले सकता ऐसा. इसके लिए जरूरी है कि वो ऑर्डर बहुत ही लॉफुल हो. यदि इलीगल ऑर्डर रहेगा तो ए डिफेंस नहीं ले सकता, मतलब सोल्जर डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो बस ऑर्डर का पालन किया है, उसको भी जाना पड़ेगा जेल. फिर कहता है सिंस द सिचुएशन, इस केस में क्या हुआ, सिंस द सिचुएशन prevailing at the scene of the offense was such as to justify the order given by the deputy commissioner of police to open fire, the respondent can seek the protection of that order and therefore they cannot be held guilty. So is case mein kyunki mob violence tha, ab yahan pe mana gaya, court ne ye bataya ki yahan pe to jo order diya hai ye conformity with the law hai, lekin ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है ये पूरे पैराग्राफ में. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर किया है कि यदि वो ऑर्डर अनलॉफुल है, और यदि ये ऑर्डर जो है ना विम एंड फैंसीज ऑफ द जो सुपीरियर ऑफिसर है उस पे बेस्ड है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, उस सिचुएशन में यदि वो ऑर्डर पास करते हैं तो जो जूनियर ऑफिसर है या जो जूनियर सोल्जर है उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है, वो उसको डिनाई भी कर सकते हैं. तो यहां पे क्या है, यहां पे पहले ही सेंटेंस को पढ़िए क्या कह रहा है. सोल्जर फायर्स ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, मेरे भाई पीसफुल है तो आर्टिकल 19 पढ़ा है ना. अरे आर्टिकल 19 में सारे लोग एक जगह मिलकर के पीसफुली खड़े हो सकते हैं, विदाउट आर्म्स एक जगह असेंबल हो सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है. तो कितना भी आप बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ सबके लिए इक्वल है, रूल ऑफ लॉ चलता है. और इसीलिए यहाँ पे पीसफुल प्रोसेशन में फायर भी आप करा रहे हो, तो आंसर आप खुद ही आप ढूंढ लीजिए कि आंसर क्या होगा. आशा करते हैं कि आप आंसर ढूंढने में सफल हो जाएंगे. ठीक है, तो इतना देर लगा, करीब आधा घंटा के आसपास लग गया आपको ये क्वेश्चन बताने में. मेरा मकसद ये क्वेश्चन बताना नहीं था, मेरा क्वेश्चन आपको ये बताना था, आपको इनेबल करना था कि इस तरीके के तमाम क्वेश्चन यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पे आ जाएं, तो आप उसको छोड़ के मत आ जाना, उसको टिक कर देना ताकि 4 नंबर ज्यादा मिल सके और आप आराम से पास हो पाओ. तो अब बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया. यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन करेंगे, और यदि आ गया तो अच्छी बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है. आप बताइए चैट बॉक्स में कि चीजें आपको समझ में आया, आ गया जी.
सारे लोग बता दीजिए भाई, थोड़ा सा हमें भी लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, अदरवाइज फिर कैसे काम चलेगा। आप लोग बताइए। यस मोनिका जी बोल रहे हैं, यस 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 बोल रहे हैं, समझ आ गया सर। यस यस आ गया सर, एक एक एक्सप्लेन वेरी नाइसली, यस सर क्लियर है। कोई भी तरीके का कोई दिक्कत आया हो तो आप बताइए। इसके साथ साथ इस तरीके का जितना सीरीज है क्वेश्चन का, यदि क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इसको छोड़ करके चले गए हैं, जो चले गए हैं उनको यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत पछताएंगे फिर, वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बहुत अच्छा से समझाया है सर, ठीक है। कैन डू क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप सर? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। हर्षिता बोल रही है कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग भी इतना झेल लिए मुझे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। कितना हो गया यार, 3:30 शुरू किया, 4:30, 5:30, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ऐसे कैसे हो गया, मतलब 3-3 घंटे का क्लास हो रहा है, और आप लोगों को मतलब बोर नहीं हो रहे तुम लोग इतने देर से? 3 घंटे में मतलब होने वाला, बोर नहीं हो रहे हो आप लोग? बोरिंग नहीं हो रही क्या? अच्छा, ये तो मतलब पहली बार मुझे पता चला कि बोर नहीं हो रहे हो आप लोग। मतलब 3-3 घंटा कैसे वो कर रहे हो यार, मतलब मच एक एक करके वो कर दिया मतलब। अच्छा जी, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है फिर। नो सर, इंटरेस्टिंग क्लास था। यू हैड आस्क्ड मी टू, क्या है, आस्क आफ्टर सेशन। रजत जी आज बहुत थक गए हैं, अब दोबारा से पूछ लेना। अब वैसे भी ज्यादा लंबा हो गया है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, टेंशन मत लो। बताने का तभी बता दूंगा, लेकिन सब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, क्यों गाली सुनवाओगे मुझे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर, बाय बाय। आप लोग करते रहिए, एक बात का ध्यान रखिए, सारे लोग सिर्फ गाइड का पहले करेंगे क्वेश्चन। आप 3 बार गाइड को करके जितने भी क्वेश्चन है उसको कीजिए, और उसके बाद आपको इधर उधर स्क्रीनशॉट जहां जहां करना है कीजिए, कोई सुनी है। आपको इतना कंसेप्ट दे दिया गया है जितना में आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले आपको सिलेक्शन लेना है, टॉप ऑफ नहीं करना है, पहले सिलेक्शन सीट रिजर्व करो भाई। टॉप तो बाद में करोगे ना, पहले सिलेक्शन ले लो, तो वो उतना करो जितना जरूरी है, उसके बाद बाकी का करते रहना। चलो ठीक है, बहुत बोल यार, थक के मतलब वो हो गए, तो फिर अब कल मिलते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर फलक, बाय बाय, टेक केयर।